सबूतों के साथ आया हूँ। मैं चाहूंगा जरा कैमरे पर इसको दिखा, बोलिए आपकी बात पर विश्वास है। ये देखिए 3 मई 1993 मानव संसाधन मंत्री भारत सरकार, ये इनका पत्र है। पूर्व सांसद हमारे जफराली नकवी जो यहाँ कांग्रेस सांसद रहे हैं वो उस समय सांसद नहीं थे, वो पूर्व विधायक थे, लेकिन उनको यहाँ के विकास की चिंता थी, उन्होंने ये पत्र लिखा था। तो उसका जवाब वहाँ से आया है कि प्री श्री नकवी जी ये पत्र उत्तर प्रदेश दक्षिण पत्र प्रदान, मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस की वजह से। आप, मैं कहता हूँ कैमरे पर आप दिखा दीजिए, दिख जाएगा, पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। अरे आप बताते रहिए जल्दी। ये इसका सेंक्शन लेटर है, ठीक है, आगे केंद्रीय विद्यालय। हाँ, जो जो 8/11/1994 का, यह नवोदय विद्यालय का हो गया, यह श्रीमान जी केंद्रीय विद्यालय का है। 8 अक्टूबर 1992 को यह पत्र लिखा गया है। हमारे कार्यकर्ता गठबंधन सब पार्क में घूमने जा रही है, सब भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ। और रही बात बच्चों के सुरक्षा की, तो बच्चे और औरतें जो दिखता वो दिखता है, अगर आप लोगों को विकास नहीं दिखता है तो ठीक 10 साल पूर्व चला जाए 10 साल आ जाए, 10 साल पहले चला 10 साल आज आ जाए। जो आपका ओवर ब्रिज दिखता है तो पहले कैसा था, जो आज आपका लाइट नहीं दिखती थी 10 साल पहले हफ्ता में आता था, कहते तो हफ्ता में आएगा, दिन में हफ्ता में आएगा, भैया 24 घंटे हमको लाइट मिलती है, बिल्कुल मिलती है। और रही बात बहनों की, बहनों की सुरक्षा के लिए, आपसे ठीक 10 साल पहले बहनों और बहनों की कैसी इज्जत थी और आज कैसी इज्जत, सबसे पूछ लीजिए। हमारी बहन बहन थी है, रात के 10 बजे आती है, रात के 11 बजे आती है, जो छूटता है उसके बलात्कार होता था, निगाह करने बलात्कार। मैं आदि के पास आ रहा था, मैं आ रहा भैया, आ रहा। सुरक्षा पे बात करते हैं, जब वहाँ आगरा में मनीषा पांडे के साथ रेप हुआ, उसके साथ न्याय नहीं हुआ, हम सफाई शुक्रिया। लखीमपुर आगमन पर बदल दो इस तालाब के पानी को, जिसके कमल मुरझाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी सिक्योरिटी में रखे हुए हूँ महिला। यस बहुत, हाँ ठीक है। अभी करंट में हमारे छोटे भाई ने क्वेश्चन किया था, महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इनने बीएचयू के जो 3 लड़के थे उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला, उनके ऊपर बुलडोजर कभी चलेगा ही नहीं, बुलडोजर चलेगा खाली गरीबों के ऊपर, बुलडोजर चलेगा सिर्फ गरीबों के ऊपर, बुलडोजर उन पर देख के चलता है आपका कहना है, बुलडोजर। अब तुम थोड़ा सा आसमान में पहुंच जाओ तो मैं वहां तक आ जाऊं तुम्हारे पास, आ रहा हूं, रुको आता हूं जी, बोलिए। हाँ बोलो, बड़ी मैं आता हूं। क्या नाम है? शिवान शीतला। क्या उम्र है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये दो भारत, ये दो है एथलीट की तादाद, ये दवा भी है, ये आज ही ठीक हो जाए। आओ, किसानों से मैं पूछ रहा हूँ, उनको लखीमपुर की नहीं। हाँ बोलो, कितनी उम्र है? 17 साल। एक मिनट, आज मैं देखना चाहता हूँ कि कितने संवेदनशील है ये लखीमपुर खीरी। बहन जी, मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कितना संवेदनशील ये लखीमपुर खीरी है और कैसे एक बच्चे को उत्साहित और प्रोत्साहित करती है, मैं देखना चाहता हूँ। क्या उम्र? दो तकला ताल ता धाव ता वो 10 तालों में जबान खींच के हाथ में दे दूंगा। उससे ज्यादा बड़ा कोई लखीमपुर खीरी में नहीं है, ये जान लगना। बोलो बेटा, तो मोदी जी ने तकला ताल ता धाव ता वो 10 तालों में भर दिया, और 10 ताल मिलते तो पूरा ढाव भरता है। क्या काम करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ, भाजपा की सेवा करता हूँ, भाजपा की सेवा करता हूँ। कहाँ, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 18।
तुम बहुत अच्छा बोलते हो, मालूम है तुम्हें? किसी ने तुमसे कहा आज तक? नहीं कहा। मैं तुमको बताता हूँ, तुम यहाँ बीच में आओ, क्या तुम सच में बहुत अच्छा बोलते हो? मालूम है कहाँ से बोलते हो? दिल से बोलते हो, इसलिए बहुत अच्छा बोलते हो। एक काम और करना, बोलते रहना और ये तालियां सुनना, जोर से बजाइए, जोर से बजाइए। ये तुम्हारे बोलने के तरीके पर है, क्या बोला वो तो जाने दो, वो बात नहीं है, तुम्हारे बोलने पर है। तुम हमेशा बोलते रहना, ठीक है ना? माँ भगवती रक्षा करेंगी तुम्हारी, जाओ लड़ो। सर जी, आम आदमी पार्टी को आप पूछने आए हैं, बहुत धन्यवाद। अरे तो मैं क्यों नहीं पूछूंगा, दिल्ली में रहता हूँ। आम लोगों की भाई सुनने दो, अगर आपको तकलीफ है आम आदमी पार्टी से तो आप चले जाइए यहाँ से। हाँ जी, क्योंकि आम लोगों की समस्याओं के बारे में आज तक कोई भी यहाँ पत्रकार ठीक से पूछने नहीं आया। मैं पूछ रहा, मैं अच्छा पत्रकार तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। धन्यवाद सर जी आपको। निश्चित ही आम आदमी की वही दुर्व्यवस्था है जो 20 साल पहले थी। आम आदमी कल 20 साल पहले जहाँ खड़ा था आज भी वही खड़ा हुआ है। आम आदमी पहले लूटा जा रहा था, आज भी वो 4 गुने 5 गुने ज्यादा लूटा जा रहा है। आम आदमी को बिजली की बढ़ी हुई कीमतों से लूटा जा रहा है, ट्रेन की बढ़ी हुई किराए से लूटा जा रहा है, बसों की बढ़ी हुई किराए से लूटा जा रहा है। 20 साल पहले तो यहाँ सरकार कांग्रेस की भी और समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, किसको कहे किसको रहे यहाँ? सर मैं आज की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई, 20 साल बात कर रहे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ये सरकार, अब वो सरकार 5 गुने ज्यादा लूट रही, खुल्ला खुल्ला लूट रही है, इसके ऊपर कैसे भरोसा? बोलेंगे आप 5 साल बाद बोलेंगे, आप एक बार बोल चुकी हैं जी। हाँ जी बोलिए भैया जी। हाँ मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। किससे? एग्जामिन, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द सर्वे फॉर गेज कन्वर्जन ऑफ लखनऊ पीलीभीत बाय सीतापुर लखीमपुर 262 किलोमीटर हैज बीन इंक्लूडेड इन द रेलवे बजट 2011। अरे सर पूरा बजट ना बताइए, बता दिए रेलवे में आपके बजट। अब आगे बोलिए। पर एक छोटा सा रह गया। अच्छा आगे बोल देता, चलिए आगे, रेलवे का हो गया। इसके बाद एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, ये लोग विकास के प्रति कितना संवेदनशील हैं? और रोजगार पे आपका ध्यान नहीं है? नहीं, आपकी पेंशन आपको मिल जाए और नवयुवक का रोजगार, सही करें, थोड़ा ध्यान रखिए। एक मिनट रुको, एक ही आदमी बोलेगा। क्या नाम है आपका? राजेश पांडे। राजेश पांडे, क्या काम करते हैं आप? टीचर हैं। ऐसे टीचर होते हैं जैसे आप हैं? ऐसे टीचर होते हैं? आपके पास सब्र नहीं है? मुझे शर्म आ रही है, आपके पास ऐसे टीचर नहीं होते हैं। मैंने कहा कि मैं सुनूंगा, आपके पास सब्र नहीं है, आपके पास बिल्कुल सब्र नहीं है, आपको नौकरी नहीं अपनी पेंशन दिख रही है। मुझे आपकी पेंशन से पूरी सहानुभूति है, आपकी पेंशन होनी चाहिए, लेकिन टीचर जी क्लास में थोड़ा पढ़ा भी लिया करिए। टीचर्स लोग चले गए कि हैं? हैं बहुत। खुद की बलिदान कर देता है, क्या उसको नहीं चाहिए? वो और वही मिलिट्री का जवान, उस शहीद का दर्जा उसको दिया जाता है, उसको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, वही पैरा मिलिट्री फोर्स का जवान उनके कंधे से कंधा मिला करके सीमा पर लड़ता है, क्या उसको नहीं मिलना चाहिए शहीद का दर्जा? उसको पुरानी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? किसान को मिलनी चाहिए, कवि लोगों को मिलनी चाहिए। और ये कवि लोग तो अगर ना पहले के धर्म का यहाँ पे मुद्दा लाना नहीं चाहिए, तो मैं इनको बता दूं, ये कह रहे हैं तुष्टिकरण होता था वहाँ पे। ये पूर्व विधायक जो आज हमारे बीच में नहीं, अरविंद गिरी जी खुद रोज अफ्तार कराते थे, तो ये कैसे आरोप लगा सकते हैं? ठीक। हाँ बोलो, चाहे आपकी सरकार हो चाहे पहली सरकार, होली हमेशा दूसरे दिन पुलिस वाले कोतवाली में मनाते हैं, क्या उसमें धर्म कहाँ से आ गया? अगर कोई अपनी मन से रोजा अफ्तार करा दे तो क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया, सबने कराया, मोदी जी आज भी मजार पे चादर चढ़ाते हैं, इसमें धर्म की कौन सी बात आ गई? मोदी जी इस
उन्होंने कहा कि भाई इसमें धर्म की कोई कौन सी बात है, धर्म की बात नहीं। मैं प्रधान जी रुको यार, 2017 में 2019 में 2022 में जनता ने हमें पूरा अपना जनादेश दिया है, अपना आदेश दिया, 2024 में देने जा रही है। एजेंडा जो चल रहा नहीं चल रहा, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। बहुत देर से बात चल रही है और जो चीज कहना चाहता हूँ वो नहीं आ पा रही। मैं स्टेट में कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान पार्टी है, साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बोर्ड के जरिए। उन कंपनियों ने इस वैक्सीनेशन की जिसकी बात हो रही, आधार पुनर्वाला ने 50 करोड़ रुपए दिए और चला गया लंदन में जाके, उस पर ये खामोश रहेंगे, नहीं बोलेंगे जाके। जितने भी हमारे लड़कों के 9-9 पर्चे लीक हो रहे हैं उस पर ये बहस नहीं करेंगे। हम जो मांग रहे हैं अंदर, आज की तारीख में आज बचे 7 दिन, जनता का माइंड मेकअप हो चुका है। जिसको जहां वोट देना है वो वोट दे चुका है, कोई फ्लोटिंग वोट नहीं है। मैंने सीधे भी पहले कहा था, एक लाइन सिंपल खींची हुई है, लाइन खींच चुकी है, जनता मन बना चुकी है। पोलिंग परसेंटेज की बात है, कौन निकल के आ रहा है, कौन निकल के नहीं आ रहा है। आप भी घूम के आ रहे हो, जो लोग थे जो बहुत ज्यादा कूदने वाले थे थक गए बेचारे पोलिंग के लिए, वो नहीं जा रहे, जो हटाना चाहते वो निकल के आ रहे हैं, बाहर निकल के। मैं माननीय शशांक जी की बात का समर्थन करता हूं और इसीलिए ये लोग बार बार मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। एक माननीय प्रधानमंत्री जी पहले कहते थे कि हिंदू खतरे में है, फिर कहने लगे देश खतरे में है, लेकिन अब चुनाव आते आते भैंस खतरे में आ गई। तो कहां मुद्दों को ले जाना चाहते हैं? एक देश के प्रधानमंत्री के ये मुद्दे होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी को अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखना चाहिए कि हमने पीछे 10 साल में ये काम किए हैं, आने वाले 5 साल अगर हमको दोबारा मिला, मौका मिला, तो हम ये काम जनता क्या कह रहे हैं। आजम खान की भैंस जो है पुलिस विभाग पूरा ढूंढने में लग जाता था, इसलिए भैंस की बात कर रहे हैं। आजम खान की भैंस बात किसान सुन लिया मैंने। आ जाऊंगा, चुपचाप बैठे रहो, मैं आ रहा हूं। आइए ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सुनना कि कुछ कहते हैं नेता भ्रष्ट हो गए, सत्ता पाके और भी निकृष्ट हो गए, गांधी के वो सपने अदृष्ट हो गए, आदर्शों के बिंब सब नष्ट हो गए, आदर्शों के बिंब सब नष्ट हो गए। किंतु ऐसा कह के हम भूल रहे हैं, भूल अपनी क्यों ना कबूल रहे हैं, सारी बुराई के सूत्रधार हम हैं, सारी बुराई के सूत्रधार हम हैं, भ्रष्ट नेताओं को जिम्मेदार हम हैं, भ्रष्ट नेताओं के जिम्मेदार हम हैं। कभी हम जाट हैं तो जाट को जताएंगे, यादव हैं यादव के गीत गाएंगे, मुल्ला है तो मुलायम के पास जाएंगे, बस पाई है तो बस पालू पाएंगे, बस पाई है तो बस पालू पाएंगे। कभी हम वोटों कंबलों पे बिक गए और कभी चंद बोतलों पे बिक गए, आदमी नहीं है कारोबार हम है, भ्रष्ट नेताओं के जिम्मेदार। सबको बात कही गई, ईमानदारी से कही गई, बराबर से कि एक भर्ती नहीं पूरी कर पाए। ठीक है सर, पेपर लीक का मामला तो आप लोग देख ही रहे हैं। तीसरी चीज है हम लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, पिछले 6 सालों से इन्होंने कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं दी। 51,000 का हलफनामा इन्हीं की सरकार ने और 2019 के चुनाव से पहले दे रखा। अब सर 6 साल हो चुके हैं, हम लोगों को BTC BEd किए हुए हो चुके हैं, सर कब आएगी शिक्षक भर्ती? और आखिरी प्रश्न सबसे ज्यादा ये है कि हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे लखीमपुर में कब आएगा? पिछले सर अभी एक हमारे मित्र खत्म हुआ है। हृदय रोग विशेषज्ञ है ही नहीं। 25 अप्रैल को सुरेश राही जी आए थे, मंत्री जी, रामलाल राही जी के बेटे मंत्री जी, तबीयत खराब हुई एक फंक्शन में, पूरा प्रशासन लग गया। आधे घंटे बाद मंत्री जी कहना कि भैया हमें लखनऊ पहुंचा दो, तुम लोग की बस का नहीं है। हमारा एक दोस्त अभी खत्म हुआ है, BJP का ही सर, युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष। तो हाँ, हमारा एक मित्र, हमने बोला है हमने कुछ गलत नहीं किया। देखिए वो देखिए कहीं ना कहीं जो चीजें पता, हम कह रहे छोड़िए सर, आए दिन यहाँ पे। अच्छा छोड़िए, बस उसका कहना है कि एक हार्ट का स्पेशलिस्ट यहाँ पे होना चाहिए। जी बाबू जी बिल्कुल, मैं आ गया आपके पास। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि
गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा सैनी को वोट दीजिए और वो 4 लाख वोट से जीत रहे हैं। ठीक है ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि हार्ड फेसलेस यहाँ होना चाहिए। मोदी मीडिया कह रहा है ये, इतना सब्र रखा करो बेटा, बिरयानी बिरयानी खाने से पहले उसका सहूर होना चाहिए, कैसे खाई जाती है। जी आइए आगे आइए, आ जाओ आ गया। अरे मुद्दे से मालूम है मुझे, आ जाओ बोलो। मेरा सर सवाल ये है कि नेता पेंशन लेते हैं फिर कर्मचारियों की क्यों क्यों नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए पेंशन, इसके लिए आप उनसे सवाल पूछिए कि आप पेंशन क्यों लेते हैं? वो शर्मा जाते हैं आजकल, सरहद पे राष्ट्र सेवा करने के लिए सैनिक है, वहाँ पे शहादत दे रहे हैं, उनको पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए? कर्मचारी पेंशन छोड़ देगा राष्ट्र के लिए, नेता भी छोड़े, नेता भी छोड़े, इसके लिए आप सवाल करिए। नहीं जरूरत है पेंशन, राष्ट्र से ऊपर पेंशन नहीं है, सबसे ऊपर राष्ट्र, उसके बाद में पेंशन है, लेकिन उसके लिए सबको तो मतलब आप इस बात पे तैयार हैं कि आप पेंशन छोड़ने को तैयार हैं, पर नेता भी अपनी पेंशन छोड़ बिल्कुल, राष्ट्र सर्वोपरि है सर, राष्ट्र सर्वोपरि है। आशु भैया बंद करें प्रोग्राम, अरे प्रोग्राम भैया आशु भाई बताओ, तुम भी चल लेना भैया। 15 लाख पे मैं हिसाब देना चाहता हूँ। 15 लाख तुम्हारे पास है? 15 तुम्हारे पास 15 लाख है? हाँ हमारे पास 15 लाख है। क्या नाम? मनीष मिश्रा नाम है। 15 लाख मिल गए? एकदम मिल गए। बताओ और लखीमपुर के उन सभी लोगों को मिल गए जो राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं। हम बताते हैं आपको, लखीमपुर के चारों तरफ आप पानी लेकर बैठिए, हाथ में गाड़ी में बैठिए, चारों तरफ घूमाइए, पानी छलकेगा नहीं। 15 लाख लखीमपुर में मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गया, 15 लाख हमको मिल गए। लखीमपुर में केंद्रीय विद्यालय बन गया, 15 लाख हमको मिल गए। हमारी मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक इसी कुरीति से बंद कराया गया, 15 लाख हमको मिल गए। कश्मीर में हमारे भैया, हमारे पंडित परिवार के लोग, हमारे सभी भाई लोग स्वतंत्र और स्वच्छंद तरीके से जी सकते हैं। 15 लाख हमको मिल गए। हमारे अयोध्या नव्य अयोध्या भव्य अयोध्या दिव्य अयोध्या बन गए, 15 लाख हमको मिल गए। 375 दाग हमको मिल गया, 15 लाख हमको मिल गया।